सो हेलो एवरीवन, साथियों, मेरे दोस्तों, सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और वही पुरानी बात की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। देखो, हर बार मैं एक बात हमेशा रिपीट करता हूँ कि इसको एग्जाम की तरह मत लीजिए। मैं पहले बता रहा हूँ, सीसैट आपका कोई एग्जाम नहीं है, ये पूरा आपका एक साल डिपेंड करता है इस पर, क्योंकि जीएस हर बच्चा पढ़ रहा है। जीएस मेरे पास, मेरा हर प्यारा बच्चा पढ़ रहा है, बट वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट ही आगे जाएगा जो सी सेट में अच्छा करेगा। मैं स्टार्टिंग से एक बात कर रहा हूं, मैं 70 मार्क्स से 65, 66, 70 मार्क्स की तैयारी करनी ही नहीं। हमेशा से अपना एक परफॉर्मर रहता है, एक मतलब शुरू से ही एक वो रहता है, क्या कहते हैं, मोमेंटम सेट करना होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 5 किलोमीटर की रेस है, अगर मुझे वो जीतनी है तो डेफिनेटली मुझे प्रैक्टिस 5 किलोमीटर से ज्यादा करनी होगी। यानी मुझे यहाँ पे 90 से 100 मार्क्स लाने ही लाने हैं, ताकि जिस दिन मैं सी सेट का पेपर दे के आऊं, मैं उसी दिन चिंता मुक्त हो जाऊं कि यार सी सेट में क्या होगा, मुझे टेंशन ना हो। मुझे पता हो कि बेटा सी सेट अच्छा हुआ है, मुझे पता हो कि सी सेट इजिली हो जाएगा। ये ना हो कि पेपर दे के आए हैं, आगे की चिंता छोड़ो, पहले सी सेट की टेंशन ही अलग है, और जब रिजल्ट आए तो फिर आपके साथ आपका सहपाठी कोई बैठा है, वो मेंस दे रहा हो और आप नहीं दे रहे होंगे। तो कई सारी बातें जो इस टाइम दिमाग में घूम रही होंगी कि सी सेट को करना कैसे है, कैसे क्वालिफाई करना है इस अटेम्प्ट में। 2023 वाले बच्चे भी तो आपके साथ हैं। अगर आप पहली बार सी सेट दे रहे हैं तो आपको बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा खबरदार रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा वो कहते हैं समझदारी के साथ इस एग्जाम को क्लियर करना है। मैं अभी भी बात बोलूंगा, क्वालिफिकेशन के लिए मत जाइए, मत जाओ क्वालिफिकेशन में, क्योंकि उस रेस में ऑलरेडी लाखों बच्चे भाग रहे हैं। आप उस रेस में भागिए जिसमें क्वालिफिकेशन से ऊपर की बात हो रही है। जैसे मैं कर रहा हूं 90 से 100 मार्क्स की बात, अगर आप 90 से 100 मार्क्स के लिए जाएंगे, इजीली आप उस पेपर को अटेम्प्ट भी करेंगे और इजीली उसको आप कर भी लेंगे। क्लियर आगे बात? तो यही चीज है जो आपको पकड़ के चलने, कैसे आएंगे मार्क्स, कैसे आएंगे। वैसे परसेंटेज टॉप 5 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, बट मेन बात यह 90 से 100 मार्क्स कैसे आएंगे। कुछ नहीं करना, बस इसको ज्वाइन कर लो, बाकी काम मेरा है, बाकी काम मेरा है, इसको सिर्फ आपने ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं पहले बैच के बारे में बता दूं, फिर सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले टाइमिंग क्या रहने वाली है, इस बैच की टाइमिंग है बेटा 3 से 4:30 कि अगर आप ना भी देख पाओ तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, बिकॉज ये मेरा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है। क्लियर? मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा, आप यहाँ पे आके ले सकते हैं, अगर कोई क्लास छूट जाए तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, तो डबल फायदा हो गया इसमें। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, ये 4 डेज अ वीक रहेगा, एक हफ्ते में 4 क्लासेस रहेंगे अपने पास। टोटल लेक्चर्स कितने हैं, 180 प्लस, यानी 90 लेक्चर्स और 90 प्लस लेक्चर्स। अबे 90 और 90 प्लस का क्या भाई खेल है, ये बहुत बड़ा खेल है। ये मेरे पास रहता है 5 बजे तक बैच, बेसिकली 2 घंटे की क्लास होती है, 1.5 से 2 घंटे की। 2 घंटे पे 30 मिनट क्या करेंगे, कुछ आपसे चटपटी बातें करेंगे। कैसी बातें करेंगे भी बता दो, एक मिनट दीजिए। देखो, ये 90 लेक्चर्स आपको लाइव मिलने वाले हैं इस बैच में, जिसमें 50 आपके पास क्वांट के लेक्चर्स हैं, 25 आपके पास बेटा लॉजिकल के, 15 आपके पास इंग्लिश के डेडिकेटेड लेक्चर्स रहने वाले, टू द पॉइंट की भैया कैसे इजीली हमें क्रैक करना है। मैं अभी बता दूं, इंग्लिश के बेशक सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन है, बट क्रैक तो करना तो उसे भी अच्छे से पड़ेगा ना। तो 15 लेक्चर आई थिंक मोर देन सफिशिएंट इंग्लिश के लिए। प्रीवियस ईयर लेक्चर्स कितने आपके पास, 15 जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने, 50 प्लस हैं। लाइव मेंटर्स के सेशन कितने आपके पास, 30 प्लस है, तो हो गए आपके पास 90 प्लस। क्लियर? तो ये बैच में आपको 180 प्लस लेक्चर्स मिल रहे हैं, बट थोड़े से ज्यादा होंगे, क्योंकि क्वांट मुझे पता 50 से 55 जाने वाला कंफर्म है, और 1.5 से 1.5 घंटे, यानी 100 घंटे का ऑलमोस्ट आपके पास एप्टीट्यूड। इसके बाद लगता है आपको नंबर सिस्टम ऐसे कोई एक ऐसा टॉपिक छूटेगा जिसका क्वेश्चन आपसे ना, डेफिनेटली मैं वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, खासकर नंबर सिस्टम का। 15 से 20 घंटे का सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम करवा, 8 से 10 लेक्चर आपके पास नंबर सिस्टम के। क्लियर? उसके बाद 2 लेक्चर आपके सर्सन इंडिसेस के हैं, या इंडाइसिस, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंसिएशन करना चाहे। क्लियर? देखिए उसके बाद क्या है, इसके बाद अभी तो स्टार्टिंग है, तो सुनिए इस बैच में और क्या क्या चीजें हैं। अगर कोई डाउट हो तो 9517771651 इस पर कॉल भी कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? पेपर नंबर ना मिले तो सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, आई विल कॉन्टेक्ट यू। देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है बेटा वीकली शेड्यूल। वीकली शेड्यूल में वीकली के लेक्चर जो जाने, अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनके बारे में बताया होगा। नंबर 1 पे क्या है मेरे पास, लेक्चर पीडीएफ।
जो आपको लेक्चर मिलेगा, जो पोर्टल पे लेक्चर लगा वो जो अपलोडेड है, जो लेक्चर अपकमिंग है उसके साथ क्या होगा, सबसे पहले लेक्चर की पीडीएफ होगी, नंबर टू पे क्या होगा रिसोर्सेस, और नंबर तीन पे क्या होगा लेक्चर पीडीएफ। क्लियर? सबसे पहले क्या होगा लेक्चर की पीडीएफ होगी, और सॉरी लेक्चर पीडीएफ नहीं, प्रैक्टिस शीट, होगी मेरी प्रैक्टिस शीट, डन। सबसे पहले लेक्चर की पीडीएफ, उसके बाद रिसोर्स। लेक्चर की पीडीएफ में क्या होगा, लेक्चर की पीडीएफ में लेक्चर में जो क्वेश्चंस कराना है, जो कॉन्सेप्ट कराना है वो इसमें होंगे। नेक्स्ट क्या मेरे पास रिसोर्स, रिसोर्स में मैं हर बार बताता हूँ, जो बच्चा पहली बार सुन रहा है प्लीज ध्यान से सुनेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज चैप्टर की नॉलेज होती है बेसिकली, की चैप्टर क्या कंटेन कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस है मेरे पास, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स है मेरे पास, क्या ट्रिक मैं यूज करने वाला हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे रिसोर्स चार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। नंबर तीन प्रैक्टिस शीट, क्या प्रैक्टिस शीट, वो शीट है जिसके अंदर चैप्टर से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे हमने क्लास में किए, और इसकी डिस्कशन कहाँ होगी, इस 30 मिनट में मीठी मीठी बातें करते हुए, इस 30 मिनट में ये मेरा डाउट कम डिस्कशन सेशन है 4:30 से लेकर 5 बजे तक। तो होपफुली ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद आता है वीकली टेस्ट, लास्ट जो चीज है मेरे पास वो होगा बेटा 1 बजे संडे को, हर संडे को होगा 1 बजे होगा मेरे पास, क्लियर। अगर हर संडे को 1 बजे होगा तब इसके अंदर क्या मिलने वाला है मुझे, इसका मिलेगा मुझे वीडियो सोल्यूशन, जो इसका सोल्यूशन होगा वो वीडियो मिलेगा, मैं कोई टैप्ड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करने वाला, क्योंकि उसमें क्या होगा एक्स वाई जेड से सोल्यूशन करवाए जाएंगे, वो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप पेपर में जाए। हम वेरिएबल से नहीं करते, हम रेशन प्रपोर्शन वाले तरीके से चलते हैं अर्थमेटिक में, क्लियर। चलिए तो प्लीज, और इन प्रैक्टिस शीट्स में आपके प्रीवियस ईयर भी कवर करवा दिए गए, क्लियर। तो प्लीज जुड़िए, कोई डाउट हो तो 9517165 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या बेटा प्यारा सा एक मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे डिटेल चाहिए, आई विल कॉन्टेक्ट यू ऑटोमेटिकली, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है बेटा मेरे पास ये व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज ज्वाइन कीजिए और भविष्य सुनहरा बनाने की तरफ अपना पहला कदम रखिए, क्योंकि जब आईएएस बनेंगे सोचो एक मिनट में लाइफ चेंज हो जाएगी। सपोज कीजिए सिर्फ आपने कंप्यूटर में एंटर किया, लिस्ट आई, आपका नाम उसमें है, मिनट में लाइफ चेंज। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक सेकंड के अंदर अपना नाम पढ़ते ही, रोल नंबर पढ़ते ही आप एक आईएएस ऑफिसर, सोच के देखो कितना ब्रिलियंट वो मूवमेंट है, आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे, कंफर्म कह रहा हूं। कितने सारे बच्चे जो बताते हैं कि सर रिजल्ट देखते ही रोगे, खुशी के आंसू होंगे, वो खुशी का पल सिर्फ आप ही अपने आपको दे सकते हैं पूरी मेहनत के साथ। मैं वादा करता हूं अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको सी सेट में कभी भी फेल नहीं होने दूंगा। आइए मेरे साथ जुड़िए, फिर देखिए वो खुशी का पल कितने जल्दी आपकी जिंदगी में आता है, गौरवित महसूस करेंगे माता पिता भी, क्लियर। तो प्लीज उस एक मोमेंट के लिए सब कुछ नौछावर कर दो, सब कुछ कर दो जो कर सकते हैं। तो पढ़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए परसेंटेज टॉप 5 करते हैं बेटा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आई थिंक दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये है बेटा मेरे पास सीसेट 2015 का परसेंटेज का क्वेश्चन, क्या दिया है, इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्ड 50% और 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस, इफ ही ऑब्टेंड अ टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट एंड ऑल क्वेश्चन इन द टेस्ट कैरिड इक्वल मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो मेरे पास क्या दिया, सबसे पहली बात मुझे क्या बोल रहा है भाई, 8 क्वेश्चन उसने किए और 50% सिक्योर किए। मैं मानता हूं लेट ईच क्वेश्चन कंटेन 10 मार्क्स, कि हर क्वेश्चन ने मुझे 10 नंबर दिए, बट वो क्या कह रहा है कि अगर वो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो 50% मिल रहा हर क्वेश्चन का, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेंड कितने हुए, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड कितने मेरे पास, 8 क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का, बट उसको मिल रहे 50% मार्क्स, यानी कितने 10 का था कितना 5, यानी भाई 40 मार्क्स मिल रहे, 40 मार्क्स मिल रहे। अब वो क्या कर रहा है, इफ ही ऑब्टेंड अ टोटल 40% इन द मार्क्स, इसका मतलब 40% ऑफ टोटल मार्क्स द
वो किसके इक्वल है मेरे पास 40 मार्क्स, यानी 40% टोटल मार्क्स 40 के, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% मार्क्स यानी कितना 100 मार्क्स। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, तो बेटा टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, अगर आप टोटल मार्क्स की बात करें, मार्क्स पर क्वेश्चन इनटू नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हमने मेंसुरेशन में इसको यूज करते हैं हम। टोटल मार्क्स कितने हैं 100, मार्क्स पर क्वेश्चन 10 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ गए मेरे पास 10, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का, क्लियर। चलिए प्लीज लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आई थिंक पाई चार्ट से, बिल्कुल पाई चार्ट से करें, वेन डायग्राम से। इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55% रीड मैगजीन बी एंड 40% रीड मैगजीन सी, 30% रीड मैगजीन ए एंड बी। देखो ए एंड बी आ गया, चलिए भाई 15% रीड मैगजीन बी एंड सी एंड 25% रीड मैगजीन ए एंड सी एंड 10% रीड ऑल द थ्री मैगजीन्स, व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन। ये भी आपका 2015 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करें तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलिए इसको। चलो बेटा ए बी, ये तीन नहीं कोई ऐसे बच्चे भी, तो तीनों के तीनों मैगजीन पढ़ना दो उसके लिए 45% ए, तो ए कितना आ गया मेरा 45%, बी कितना है 55, बी है मेरे पास 55%, और सी कितना है मेरे पास 40% सी। ये मोटी मोटी बात मुझे दी गई, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या दिया, 30% रीड मैगजीन ए एंड बी। देखो ए एंड बी कौन सा है, ये वाला पोर्शन कुछ है कि ये वाला पूरा पोर्शन जो है मेरा ए और बी का है, वो कह रहा है कि 10% तीनों की तीनों, यानी जो मेरा 10% वाला ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए मेरा 10%, ये 10% क्या है, वो ए भी पढ़ रहे हैं, बी भी पढ़ रहे हैं, सी भी पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 30% रीड मैगजीन ए एंड बी, अगर 10 है तो डेफिनेटली 20 होगा, ये 10 है तो 20 होना चाहिए, बढ़िया बात है, तो समझ आ रही है तो अच्छी बात है। अच्छा 15% रीड मैगजीन बी एंड सी, बी एंड सी 15, अगर बी एंड सी 15, बी एंड सी कौन सा मेरे पास, ये वाला बी एंड सी है मेरे पास, ये टोटल 15 है, मतलब 10 है तो ये कितना हुआ 5। छोटे छोटे पॉइंट पे काम करेंगे इस क्वेश्चन में, जब जाके कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक स्वाभाविक है इस तरह के प्रश्न में, क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया मेरे पास, 25% रीड मैगजीन ए एंड सी, ए एंड सी यानी ए एंड सी वाला कौन सा भाई, ए एंड सी ये वाला है, इसका मतलब 10 है तो ये कितना होना चाहिए 15, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या, अच्छा अब ये बताओ 20, 10, 30, 10, 40 यानी 0% ऐसे हैं जो सिर्फ ए पढ़ रहे हैं, 20, 30, 35 तो ये कितना हुआ ओनली बी, ये ओनली बी है, ये ओनली ए है, 15, 5, 20, 10, 30 तो ओनली सी कितना आ गया 10% भाई अपने पास, समझा के बाद ये हो गया। अब मेरे को क्या बोल रहे हैं, व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन, देखो ये कितना है 25, 5, 30, 10, 40, 50, 60, 25, 5, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 5, तो क्या मेरे पास इसका आंसर अपना 15% ऑप्शन में है। चलिए एक मिनट रुको जरा, क्योंकि यहां पे मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक लगी है, क्या थी देखो जरा दोबारा देखें, ए फटाफट बनाऊंगा इसको मैम, देखो ये कितना था, ए में था मेरे पास 45, बी कितना था अपना 55 और सी कितना था अपने पास 40, क्लियर। उसने क्या बोला 40% रीड मैगजीन सी, ठीक है जी 30% रीड ए एंड बी, देखो ये था 10 मेरे पास, ये आ गया 20, ये आया था मेरे पास ए और सी कितना था मेरे पास 25, तो ये आया था मेरे पास 25% ए एंड सी, तो आया था 15 और ये आया था 5, यही था, ये आया था 0, 20, 10, 30, 5, 35, 55 - 35 कितना हो गया 20, यहां गलती थी मेरी, ठीक है इसलिए मैंने दोबारा बना दिया 15, 5, 20, 10, 30 तो ये कितना गया 10, तो बेटा ये कितना हो गया 20, 40, 50, 55, 5, 60, 70, 80, तो 80 में 100 में से कितने गए 80 के, तो कितना बचा ओनली ऑप्शन नंबर सी 20 इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई कैंडिडेट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम
कंसिस्टिंग 60% मेंस 40% वुमेन, तो टोटल 100% है मेरे पास, ठीक है। मेन कितने हैं 60%, वुमेन है मेरे पास तो 40%, 70% मेन एंड 75% वुमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट। इसका मतलब इसका 70%, इसका 70% 7 6 42 हो गया, ठीक है। और इसका कितना है 75, इसका 40 का 75% कितना है, एक बार देख लो, ठीक से लिखो, 40 40 का 75% कितना है 30 यानी मेन की बात करूं 42 ने प्रीलिम्स क्लियर किया, और वुमेन की बात करूं 30 ने भाई अपना मोटा मोटा यहां पे जो मेरे को दिख पा रहा है प्रीलिम्स क्लियर किया। उसने फिर क्या बोला, इन द फाइनल टेस्ट 80% मेन, देखो इसका 80% कितना आएगा, इसका 10% कितना 4.2, इसका 20% कितना हुआ 8.4, इसमें से माइनस 8.4 कर दो, क्लियर। सो अगर मैं इसका 80% निकालना भी चाहूं तो देखो टोटल 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 42, 10% की वैल्यू कितनी आएगी जो मैं बात करता 4.2, ठीक है जी 0.42, चलिए तो इसका 84% कितना जाएगा मेरे पास, सॉरी इसका 80%, यानी ऐसे भी कर सकते हो 42 इंटू 4/5, तो ये कितना हो गया 168/5 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 320 और 16, 320 प्लस 16 कितना आ गया मेरे पास 336, तो 33.6, इसमें 8.4 ऐड करके देखो 0.4 कितना आ गया आपके पास 34 और 8 42, बिल्कुल जी। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे को, एंड एंटर द फाइनल एंड 70% वुमेन वर सक्सेसफुल, तो इसका 70% कितना है मेरे पास 21, कि अगर 100 हमारे पास थे तो 33.6, मैंने 100 एक ऐसा आंकड़ा लिया है कि ये सिर्फ परसेंटेज है कि इतना है मेरे पास, रेट इज हायर फॉर वुमेन, नहीं पहला गलत हो गया। नेक्स्ट क्या ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, नहीं जी देखो 33.6 और 21 50 से बड़ा गया, ये भी गलत हो गया। मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, यस ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इसका, क्लियर। तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं करेंगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूं मैं, चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, और ये था आपका सीसेट 2015 से। चलिए जी नेक्स्ट है मेरे पास, ये भी सीसेट 2016 का प्रश्न है मेरे पास परसेंटेज का। अनीता'स मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम कैरिंग इक्वल मार्क्स, दैट इज 10 अर्थमेटिक 30 एल्जेब्रिक एंड 30 ज्योमेट्रिक। ऑल्दो शी आंसर्ड 70% ऑफ द अर्थमेटिक 40% ऑफ द एल्जेब्रिक एंड 60% ऑफ द ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स करेक्टली, शी डिड नॉट पास द एग्जाम या टेस्ट बिकॉज शी गॉट लेस देन 60% मार्क्स, द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न दैट 60% पासिंग मार्क्स इज। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भाई अनीता के पास अगर 100 क्वेश्चन है तो 70 प्रॉब्लम दिए, अगर 70 प्रॉब्लम्स हैं तो क्या है 70 प्रॉब्लम कैरिंग इक्वल मार्क्स दैट इज 10 अर्थमेटिक के 10 है, 30 एल्जेब्रिक एंड 30 ज्योमेट्रिकल, ठीक है जी। वो क्या कह रहे हैं, ऑल दो शी आंसर 70% अर्थमेटिक, देखो इसका 70% कितना होगा बेटा 7, मतलब इसमें 10 में से 7 क्वेश्चन ठीक आंसर किए नीता ने। नेक्स्ट क्या दिया 40% अल्जेब्रिक, इसका 40% कितना होगा मेरे पास +12, और ज्योमेट्रिक की बात करें 60%, इसका 60%, तो 6 3 18, तो बेटा कितना हो गया 12, देखिए 18 12 कितने हो गए 30 और 7, मतलब 37 क्वेश्चन अनीता के बिल्कुल ठीक है, बट अभी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो पासिंग परसेंटेज है वो कितने 60%, तो 70 का 60% कितना हुआ 42, इसका मतलब अनीता को कितने क्वेश्चन और चाहिए भाई 5 प्रश्न और चाहिए अनीता को, बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। तो होपफुली ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे और आपने अच्छे से एंजॉय भी किया होगा इन प्रश्नों को, क्लियर। और अभी ये प्रीवियस ईयर के छोटे छोटे क्वेश्चन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ है, ये ऐसे नहीं कि रेंडमली उठा लिया, हर क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट, आप देखिए हर क्वेश्चन को एक अलग तरीके से हमने डील किया है,
तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट कोर्स। कोर्स में बहुत ब्रिलियंट तरीके से एक्चुअली जीरो टू हीरो बैच क्यों बोलता हूँ उसको हमेशा, क्योंकि अगर आपको कभी भी मैथ नहीं, जब आपको सर दसवीं का मैथ नहीं पढ़ा या मुझे मैथ में बड़ी सारी दिक्कत है, मैं कैलकुलेशन फास्ट नहीं, मेरे पास आइए, बच्चों को प्रॉब्लम थी बट जैसे वो बैच में इनरोल हुए विद इन एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया नहीं सर अब मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा। अब देखो आप क्वांट के 50 लेक्चर्स का मतलब क्या है, इतने में तो मैक्सिमम जगह सीसेट खत्म कर देते हैं। क्यों 50 घंटे? रीजन कि अगर कोई बच्चा वीक भी है, थोड़ा लेट भी स्टार्ट किया उसने, या दसवीं के बाद मैथ नहीं पढ़ा, साइंस बैकग्राउंड नहीं, तो वो कैसे ग्रैब करेगा, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो कर पाएगा या कर पाएगी। इसीलिए बहुत धीरे बैच है, बहुत लीनियंटली बताया जा रहा है, बहुत आराम से, और सिंगल सिंगल बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। क्लियर? तो कोई डरने वाली बात नहीं, जुड़िए, सीसेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप जैसे बच्चा उसको एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा है एक्चुअली में, हमारे पास जितने बैच में बच्चे वो सारा भी कहता है सर वी आर एंजॉयिंग एट अर्थमेटिक, हम एंजॉय करते हैं, नए नए क्वेश्चन खुद ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। बैच में बच्चे खुद एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा लगता है। मेरे पास आती है सर ये क्वेश्चन पूछा सर बताओ, फिर मैं पूछता हूँ आया कहाँ से, सर उस स्टूडेंट ने पूछा, नहीं भैया फिर तो आपकी अपनी लड़ाई है स्टूडेंट की करिए, जब दोनों से सॉल्व नहीं होगा फिर मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तो आप कब इंप्रूव करेंगे, जब आपके नए क्वेश्चन आएंगे उसे करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होता है ऑन द स्पॉट भी बता सकता हूं, आप व्हाट्सएप भी मुझे कर पाएंगे, बट आफ्टर एनरोलमेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? तो बच्चे जब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने लग जाए ना, तो समझ लीजिए कि दे आर इंप्रूविंग एंड दे आर। तो मुझे भी देख के अच्छा लगता है, पूरी टीम को अच्छा लगता है कि इतने सारे एफर्ट्स हम करते हैं कि सीसेट की वजह से बच्चे का एक साल ना खराब हो। समझ आ गई? तो कोई डाउट है उसके लिए मैं हूं, आप कॉल कर सकते हैं 9517716 51 पे। और प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है मेरे पास। टू नंबर्स एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन अ थर्ड नंबर जेड, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर वाई लेस देन द नंबर एक्स। देखिए यानी एक्स जेड वाई तीन नंबर है, देखो 20% का मतलब कितना, 1/5, यानी अगर z 5 है तो डेफिनेटली x कितना होगा, 1 कम कर दो 4 होगा। क्लियर? 28% का मतलब कितना है, 28/100 4 7 28 25 24, यानी कितना, अगर ये 25 है तो 7 कम कर दो 18 हो गया। क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन यूज हो रखा है इसमें, तो भाई हो गया 5 और ये कितना हो गया आपका 25, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं 25 चौके 100 25 5 125 18 5 90। क्लियर? तो डेफिनेटली जो मेरे पास नंबर 100 था वो कितना हो गया मेरे पास 90, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 10% लेस इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? ये था यूपीएससी सीसेट 2016 से। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास अभी पीडीएम माइक्रो कोर्स। अभी पीडीएम माइक्रो कोर्स है क्या भाई, पता है कुछ, है कुछ नॉलेज अभी पीडीएम माइक्रो कोर्स की, आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर देखिए आपके लिए क्या करेंगे। अभी पीडीएम माइक्रो कोर्स एक सीडी है आपको जो ऊपर तक लेके जाएगी, सीडी ना लिफ्ट है पूरी है एक तरह से, कहने का मतलब क्या है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी कर सकते हैं जो आपको मुश्किल लगता है, जैसे एलसीएम एचसीएम हो गया, परसेंटेज कई बच्चों को दिक्कत होती है, रेशियो प्रोपोर्शन दिक्कत होती है आपका, अर्थमेटिक में बड़े सारे प्रॉब्लम्स होती है, नंबर सिस्टम हो गया, तो पूरा कोर्स ना खरीद के आप उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को भी खरीद सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने वाले बेटा तीन लिंक फुल कोर्स का, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं पता तो वीडियो के शुरू में देखिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, उसको पूरे बैच का बताया। नंबर दो पे क्या है मेरे पास, नंबर दो पे है मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, नंबर तीन पे मिलेगा आपको माइक्रो कोर्सेज का। चलिए चलिए तो चूज एग्जाम करेंगे बेटा, ये आएगा सिविल सर्विसेज से। देखिए सारे कोर्स वीडियो कोर्सेज हो गए, टेस्ट कोर्सेज हो गए, देन वी हैव माइक्रो कोर्सेज। देखिए बेटा मेरे सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिज का, तो टीम आपसे जुड़ेगी, कॉल मी व्हाट्सएप जैसा आप चाहें। नेक्स्ट है मेरे पास मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें पहले। जैसे पूरा बंडल अपने पास है 3555 का, 3555 का, बट अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम करूं तो मेरे पास 22% से 25% 1/4 ऑलमोस्ट आपके नंबर सिस्टम आया था पिछली बार, बट बेसिकली वो नंबर सिस्टम नहीं, उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे,
उसको आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से जान सकते हो कि इक्वेशंस वाले क्वेश्चन, यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बस नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट आता है क्योंकि यूनिट डिजिट में ही कंसिडर किया जाता है। क्लियर? तो 6 मिनट का ट्रायल दिया हुआ, 324 रुपए, 10 लेक्चर्स हैं, 9 वेब नोट्स और 421 बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर? और ये 421 क्वेश्चन को आप टेस्ट की तरह भी दे सकते हैं, जब आप जुड़ेंगे तो आपको एक एक नॉलेज पूरे तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास सिंप्लीफिकेशन, 15 से 20% है सिंप्लीफिकेशन, 18% माफ कीजिएगा बोर्ड मैथ्स, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, स्केयर रूट, क्यूब रूट, सब इसके अंदर कवर है। 117 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 वेब नोट्स, 4 आपके पास इसमें धमाकेदार लेक्चर सिर्फ 114 रुपए में। वेब नोट्स में क्या है, चैप्टर की कोई थ्योरी हो सकती है, कोई फॉर्मूले हो सकते हैं, कोई छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो चैप्टर को रीड आउट करने में, समझने में आपकी पूरी तरीके से हेल्प करें। क्लियर? नेक्स्ट परसेंटेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, और सबके साथ 6 मिनट का ट्रायल है। 6 मिनट का ट्रायल क्या पता कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो आपके लिए एग्जाम में मायने रखे, तो प्लीज ट्रायल जरूर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, ऐसे लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे, 2646 रुपए में पूरी लॉजिकल रीजनिंग, पजल टेस्ट की बात करेंगे 245, रैंकिंग ऑर्डर की बात करेंगे 130, स्टेटमेंट कंक्लूजन 42, डायरेक्शन साइंस 117, और हर चैप्टर के साथ बेटा 6 मिनट का ट्रायल दिया गया, तो उसे एंजॉय करो। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, मतलब नहीं खरीदना मत खरीदो, मेरी सेहत में कोई असर नहीं, बट 6 मिनट तो फ्री है यार, उसे तो आप देख ही सकते हो, कुछ तो सीखने को मिलेगा। एक एक मिनट की वैल्यू होता तो 6 मिनट की तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लास्ट में जो मैं बात करूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, देखो बेटा 412 रुपए का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ इंग्लिश पूरा 412 की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ 349 का है। मैं आपको एक ही राय दूंगा, इसके साथ ना पूरा बंडल लो यार, 50-60 रुपए में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो डेटा मिलेगा ना इंटोनेशन वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार कॉम्प्रिहेंशन समझ किसी लिए नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर जो टिपिकल वर्ड्स हैं वो मुझे समझ नहीं आते। क्लियर? और अब मैं वो सितारे दिखाऊंगा जो जगमगा रहे हैं दिन में भी, जिनकी रोशनी सूर्य के समान है, रैंक होल्डर्स, दे आर रैंक होल्डर्स, ये अभिमन्यु के स्टूडेंट्स हैं। जैसे बात करूं मिसेस स्पर्श, अर्ना 51 रैंक, 56, 91, 105, 138, ये सारे रैंक्स हैं। प्रकाश इतना है, उजाला इतना है, बिकॉज अभी अधिकारी बन चुके हैं। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट ने, ये भी एक दिन आप ही की तरह आए थे कि सर आईएएस ऑफिसर बनना सपना देखे, बट वो सपना पूरा कैसे होगा, हमारी पूरी टीम इतनी डेडिकेटेड है ना, एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग होती है, कि एक बच्चे का वीकली देखते हैं हम भाई क्या इसको प्रॉब्लम है, पर्सनली बैठ के बात होती है, बताइए कहां पे दिक्कत है, कैसे उसको दूर किया जाए। सपोज कीजिए क्वांट में कोई दिक्कत है, मेरे पास आइए, टाइम लीजिए, बात कीजिए, बैठ के बात करेंगे कि क्यों क्वांट में दिक्कत आ रही है, कैसे इस दिक्कत को मैं दूर करूंगा, किस लेवल की प्रैक्टिस आपको चाहिए, कितने आवर्स आपको चाहिए, क्या आपका काम होगा, डेली का रूटीन कैसे सेटअप होगा, सारी चीजें, जब भी जाके रैंक बनता है, ऐसे नहीं होता कुछ भी, समझ आ गई बात। तो पूरी टीम इसके अंदर इंक्लूडेड है, और अगर मेरी बात पे यकीन ना आए कि मेरी टीम क्यों ऐसी है, क्यों अभिमन्यु आईएएस बेस्ट है 25 साल से 2200 प्लस सिलेक्शंस के साथ, रीजन ये वर्ड्स इनके हैं, इनके सुनहरे शब्द हैं, बिकॉज ये एक नॉर्मल बच्चे के वर्ड्स नहीं है, ये एक आईएएस ऑफिसर लिख रहा है, एक आईएएस ऑफिसर ने लिखा इसे, तो इसको तो आपको सच मानना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आपके पास कोई चांस नहीं है। क्लियर? तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं चाहूंगा जो ये बच्चा वीडियो देख रहा है ना, वो भी ऐसे लिखे यहां पे एक दिन आके, बट कैसे पॉसिबल है अगर आप सिर्फ सीसेट के पीछे ही डर के बैठे रहोगे, तो डरना नहीं, अब करना है तो प्लीज करिए और हमारे साथ जुड़िए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, बच्चे आज अवेयर कीजिए। थैंक यू, और कोई डाउट हो तो 9517716651 में कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, ऑल द बेस्ट।